मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग डिस्कस कर रहा था ये मिक्सचर्स के बारे में, तो अभी हम लोग ये जो सेपरेशन और मिक्सचर्स का जो टॉपिक है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले है नंबर वन इवेपोरेशन मेथड और नंबर टू सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। ये दोनों प्रोसेस हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इवेपोरेशन मेथड में हम लोग क्या लेगा, एक सैंपल लेगा। सैंपल मतलब हम लोग यहाँ में क्या लेगा, इंक लेगा, ठीक है। इंक इन सेंस क्यों लेगा, क्योंकि ये कलर कंपोनेंट है और उसमें से हम लोग क्या सेपरेट करेगा, इंक का जो डाई है और जो वाटर था, ठीक है, वो दोनों को सेपरेट करने वाला है। ये भी था क्या है, एक सॉल्यूशन ही है कि नहीं। सॉल्यूशन मतलब क्या है, इसमें वाटर भी प्रेजेंट है और कुछ डाई मतलब कि वो जो कलर कंपोनेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेगा, एक एक्सपेरिमेंट करने वाला है। वहाँ में क्या लेगा, हम लोग एक बर्नर लेगा, एक ट्राइपॉड स्टैंड, एक बीकर और एक वॉश ग्लास, ठीक है। तो हम लोग ये जो सेटअप है हम लोग ऐसे बनाएगा, ट्राइपॉड स्टैंड का ऊपर हम लोग क्या रख देगा, बीकर रख देगा। बीकर में हम लोग थोड़ा सा पानी ले लेगा, पूरा फुल नहीं, हाफ हाफ करके ले लेगा पानी। उसके बाद ये जो वॉच ग्लास है उसमें हम लोग क्या लेगा, ये जो इंक कंपोनेंट है, ठीक है, इंक जो है वो, इंक जो क्या है, एक मिक्सचर है, वो हम लोग ये जो वॉच ग्लास में लेने वाले हैं। तो हम लोग ये जो बर्नर को पहले, सबसे पहले हम लोग क्या करेगा, बर्न काटेगा। बर्न करने के बाद क्या होगा, इसका जो हीट है, ये जो बीकर में जो वाटर था वो क्या कर लेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है नहीं। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगा, ये जो हीट है फिर कहाँ तक पहुँचेगा, ये वॉच ग्लास तक वो ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसफर होने से के बाद क्या हो जाएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ से क्या होगा कि ये जो इंक कंपोनेंट में जो वाटर था वो क्या हो जाएगा, वेपोराइजेशन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जब ये वेपोराइज होकर जब ख़त्म हो जाएगा जितना भी वाटर्स था, तो लास्ट में क्या बचेगा, जो वो जो कलर कंपोनेंट था, ठीक है, जिसको हम लोग डाई बोलते हैं, वो बचा, मतलब वो बचा रहेगा, ठीक है। ये जो इवेपोरेशन मेथड में हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक सॉल्यूशन में क्या होगा, एक सॉल्यूशन से क्या करेगा, हम लोग दोनों को सेपरेट कर देगा। जैसे कि हम लोग यहाँ में क्या सेपरेट कर रहा है, वाटर को बाहर कर रहा है, और जो जो डाई था वो क्या हो जाएगा, लास्ट में जाके ये वॉच ग्लास में हम लोग को जो मिलेगा, ठीक है। तो इवेपोरेशन मेथड में से हम लोग एग्जाम्पल लिया, ये जो सेपरेशन ऑफ कलर कंपोनेंट, ठीक है। तो इसका और भी एप्लीकेशन है, ये हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। जैसे कि क्या हो गया, एक वॉलेटाइल क्या है, सोल्यूट है, ठीक है, वो किसके साथ मिक्स हुआ है, एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्वेंट से मिक्स हुआ है। तो अगर हम लोग उसको सेपरेट करना होगा तो क्या करेगा, हम लोग यही प्रोसेस यूज़ करेगा, क्योंकि वॉलेटाइल सब्सटेंस जो है डायरेक्टली क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट ना होकर डायरेक्ट वेपर हो जाएगा, तो वो बाहर हो जाएगा। और जो नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस बचा रहेगा वो क्या होगा, ये जो वॉच ग्लास में ही बचा रहेगा। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं कि वॉलेटाइल सब्सटेंस और नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसका और एक एप्लीकेशन है, क्या है, टू ऑब्टेन कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर से हम लोग जैसे कि कॉमन सॉल्ट हम लोग सेपरेट, मतलब कॉमन सॉल्ट को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो भी क्या है, इवेपोरेशन का प्रोसेस ही होता है, ठीक है नहीं। उसका जो वाटर है क्या होगा, सन का हीट का वजह से क्या हो जाएगा, वेपराइजेस हो जाएगा, और जो बचा रहेगा वो क्या होगा, सॉल्ट बचा रहेगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है इवेपोरेशन। अभी हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करने वाले सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड क्या है, एक मैकेनिकल मेथड होता है, मतलब उसमें मशीन्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। जैसे कि यह एक हम एक डायग्राम बनाए, जस्ट सिंपल डायग्राम ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। तो इसमें क्या होता है कि एक रोटर प्रेजेंट रहता है, जैसे कि हम लोग घर में क्या यूज़ करते हैं, वो जो मिक्सचर होता है, ठीक है, वो मिक्सचर ग्राइंडर, उसी तरह क्या होता है, एक रोटर रहता है। और उसमें क्या होता है कि टेस्ट ट्यूब जो है हम लोग इसमें फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट ट्यूब को हम बाहर भी कर सकते हैं, मतलब ये हम लोग उसको बाहर भी कर सकते हैं, जब हम लोग को मतलब क्या करना है, इसमें जो जो सॉल्यूशन है या तो जो मिक्सचर है हम लोग इसमें डालने वाला है, तो बाहर करके हम लोग उसको डाल के फिर यहाँ में लगा देते हैं। तो क्या होता है, ये रोटर जो है हाईली रोटेट करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या लेगा, एक इस पर भी एक एक्सपेरिमेंट करेगा, जो हम लोग क्या लेगा, मिल्क लेगा। मिल्क में से हम लोग क्या सेपरेट करने वाला है, क्रीम के सेपरेट करने वाला, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड क्या करता है कि एक सॉल्यूशन का, मतलब उसका जो एक सॉल्यूशन में जो जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, उसका जो डेंसिटी हो गया, साइज हो गया, शेप हो गया, उसका जो कंपोनेंट्स का ऊपर डिपेंड करके ये क्या करेगा, मतलब मेनली उसमें ही डिपेंड करके क्या होता है, ये सेपरेशन का प्रोसेस जो होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या लेगा, इसमें एग्जांपल ले लेता है हम लोग, वो जो क्रीम है वो मिल्क में से हम लोग कैसे एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो क्या करने वाले, सबसे पहले हम लोग
वो जो मिल्क लेगा हम लोग वो क्या होना चाहिए, अनबॉइल्ड होना चाहिए, ठीक है, कोल्ड मिल्क ले लेगा, ठीक है, कोल्ड मिल्क लेके हम लोग ये टेस्ट में डाले, उसके बाद क्या करेगा, ये जो मशीन को है हम लोग स्विच ऑन कर देगा, तो क्या हो जाएगा, ये रोटेट करेगा, ठीक है, रोटेट करने से क्या हो जाएगा, उसका जो ये जो क्रीम था, ठीक है, क्रीम का कंपोनेंट्स क्या हो जाएगा, वो थोड़ा हल्का होता है जो, अच्छा ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, जब हम इसको रोटेट करेगा तो ये मिल्क जो है एक स्किम मिल्क में वो केवल सेपरेट हो जाएगा और एक क्रीम में, ठीक है, क्रीम जो क्या होगा कि ऊपर में रहेगा, मतलब वो जो स्किम मिल्क का ऊपर का लेयर में वो रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि वो लाइटर होता है, ठीक है, इसीलिए वो रहेगा, जब ये रोटेट होता है तो क्या होता है कि वो जो क्रीम का जितना भी पार्टिकल्स है या तो जितना भी पार्टिकल्स है वो क्या हो जाएगा, एक साथ मिलके क्या करेगा, वो टुगेदर होल्ड करने लग जाएगा, होल्ड करके क्या होता है, वो स्किम मिल्क जो नीचे बचा रहेगा, स्किम मिल्क का ऊपर वो रहेगा, इसी प्रोसेस से हम लोग क्या करेगा, जो क्रीम क्रीम को बाहर कर देगा और जो स्किम मिल्क हो उसको भी हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, मतलब एक मिल्क से हम लोग क्या क्या मिल रहा है, क्रीम मिल रहा है और एक स्किम मिल्क मिल रहा है, तो ये भी क्या है, सेपरेशन का मेथड ही हुआ, ठीक है, नहीं तो यही था सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। तो इसका एप्लीकेशन क्या क्या है, जैसे कि हम लोग वॉशिंग मशीन में भी क्या होता है, रोटर्स होता है, ठीक है, वो जो रोटेशन का वजह से क्या होता है, वो जो कपड़ा का जो जितना भी कपड़ा में जितना भी पानी था वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाता है, ठीक है। और इसका और एक एप्लीकेशन क्या है, डायरीज में जैसे कि हम लोग मिल्क में से क्या निकला, क्रीम निकला, ठीक है, तो वो भी एक प्रोसेस है, वो उसका भी एक एप्लीकेशन है। और एक एप्लीकेशन कैसे होता है कि मतलब जैसे कि हम लोग ये ब्लड टेस्ट करता है, ब्लड टेस्ट करने से अगर हम लोग यहाँ